मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। 7.5%, 8%, 9%, 10% कुछ तो मिलेगा। स्विट्जरलैंड में तो 0% है ब्याज, किसी को ब्याज नहीं देते। जो आप जमा करोगे उस पर वो सर्विस चार्ज लेते हैं, और वो 4.5% से लेके 18% है। धन जितना ज्यादा है सर्विस चार्ज उतना ज्यादा है। तो जमा करने वाले वहां पैसे देते हैं जमा करने के, उनको मिलते नहीं। फिर आप बोलोगे फिर ये मूर्खाई क्यों करते हैं वहां पैसा जमा करने की। वो मूर्खाई सिर्फ एक और एक कारण से करते हैं कि वो जो धन जमा करते हैं उस धन के बारे में पूछते नहीं है कहां से आया। भारत की बैंकों में अगर ये धन जमा हो तो इसको पूछा जाता है। आपने अचानक से बैंक में 10-20 लाख रुपए जमा कर दिए ना, इनकम टैक्स वाले का फोन आ जाएगा, कहां से आ गया भैया ये 10 लाख रुपए। तो यहां पूछा जाता है, वहां पूछा नहीं जाता। कितना भी जमा कर दो, 100 कोटी, 200 कोटी, 500 कोटी, वो कभी नहीं पूछेंगे कहां से लाए। किसी को मार के लाया, बेईमानी से लाया, ईमानदारी कुछ नहीं, वो जमा करते जाओ। तो वो धन को जमा कराते हैं, और हमारे ये नेता वहां जाके जमा इसलिए करते हैं कि इनसे पूछा नहीं जाता। और मजे की बात है कि उस धन को ये स्विट्जरलैंड वाले दूसरों को ब्याज पे दे देते हैं, और उसमें से मुनाफा कमाते हैं। एक तो पैसा कमाते हैं इनसे जो सर्विस चार्ज के रूप में, दूसरा वो धन दे देते हैं अमेरिका को कर्जे में, ब्रिटेन को कर्जे में दे दिया, फ्रांस को दे दिया, उनसे ब्याज लेते हैं। तो डबल कमाई कर रहे हैं, और इसी कारण से वो देश दुनिया का सबसे श्रीमंत देश है। अब हमारे सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि ये स्विट्जरलैंड की जो रावण की लंका बन गई है, और इसमें भारत के रावण जा के रहने लगे हैं, पैसे जमा करने लगे हैं। इस रावण की लंका को ऐसे का तैसे ही रखा, जैसी है वैसी रहने दो। या तो दूसरा विकल्प है कि हनुमान की तरह से इस लंका में आग लगा दो। इस सोने की लंका को जला दो, और जिन रावणों ने धन वहां जमा करके रखा हुआ है इन सब रावणों को भी उस आग में जला दो। दो ही विकल्प, या तो खामोश होके बैठे रहो जैसे रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में, तो लुटते रहो, पिटते रहो, गुलाम होते रहो, बर्बाद होते रहो, अपने को कोसते रहो, और या थोड़ी हिम्मत, थोड़ा पराक्रम, थोड़ा साहस पैदा करो, श्री राम की तरह से, हनुमान की तरह से, श्री कृष्ण की तरह से, अगर उनकी उपासना कर रहे हो तो वही करो जो इन्होंने किया। लंका में आग लगाई थी हनुमान जी ने, तो आप भी इस लंका में आग लगा दी। हम लोगों ने ऐसा संकल्प करने का साहस किया है, एक अभियान चला है इस देश में जिसका नाम है भारत स्वाभिमान। उसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो है परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि इस रावण की लंका को जला देना है, और इन रावणों को भी उसमें जला देना। और ध्यान रखिएगा, ये सन्यासी का संकल्प है, साधारण आदमी का नहीं है। भारत में ये देखा गया है कि जब सन्यासी संकल्प कर लेता है तो वो संकल्प होता है। कभी एक सन्यासी समर्थ गुरु रामदास ने संकल्प लिया था स्वराज्य की स्थापना का, और वो पूरा हुआ था। अभी एक दूसरे सन्यासी स्वामी रामदेव जी ने संकल्प लिया है रावण की लंका जलाने का, ये भी पूरा होगा। बस देर इस बात की है कि हनुमान जी की और राम जी की सेना में आपके जैसे जो लाखों लाखों लोग जुड़ गए थे वो फिर जुड़ जाएं, इतनी ही देर है। तो आप सब राम की सेना में भर्ती हो, हनुमान की सेना में भर्ती हो, उतनी देर की बात है। बाकी तो सब होने की तैयारी है, रास्ते सब पता है,
इस लंका को जलाना है और इसमें जो धन रखा हुआ है लूट लूट कर भारत का, इसको वापस लाना है। और ये धन आ गया वापस तो वो लंका अपने आप ही जलेगी। आप बोलेंगे कैसे आ सकता है वापस, नेताओं के पास अकल है तो हमारे पास भी है, उनके दो आंख हैं हमारी भी दो हैं, उनके दो कान हैं हमारे भी दो हैं, उनकी दो नाक हैं हमारी भी दो हैं, उनकी बुद्धि है हमारी भी बुद्धि है, उल्टे रास्ते पे चलने वाली बुद्धि है तो सीधे रास्ते पे चलने वाली भी बुद्धि है। इन्होंने बड़े हिसाब से अपना सारा सरंजाम जुटाया है कि शायद कोई इनकी लंका को छू नहीं सकता, लेकिन उसके रास्ते हमें भी पता है कि कैसे इस लंका को जलाया जा सकता। इसको जलाने के चार रास्ते हैं या इस लंका को ध्वस्त करने के चार रास्ते। पहला रास्ता ये है कि जिन नेताओं ने ये धन भारत से लूटकर स्विट्जरलैंड में जमा किया है, इस धन का पहले तो आंकड़ा निकाला तो पता चला वो 75 लाख कोटी रुपए। सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो सरकार की तरफ से एक माहिती आई जो बहुत हैरान करने वाली है। सरकार ने कहा कि स्विस बैंकों में जो जमा है वो 75 लाख कोटी है, स्विस बैंकों के अलावा दूसरी बैंकों में जो जमा है वो 35 लाख कोटी अलग है, माने 110 लाख कोटी है कुल मिला। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जिन देशों में ये धन जमा है इनकी सूची कोर्ट में पेश की जाए और इन देशों की सरकार के साथ भारत सरकार क्या नीतिगत बात कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए, तो सरकार के मंत्री इस समय परेशान है प्रणब मुखर्जी। कोर्ट ने उनको सीधा कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताइए। तो प्रणब मुखर्जी 60 देशों के साथ इस समय बातचीत करने में लगे हुए हैं और वो बातचीत यही हो रही है कि आपके यहाँ कितना कितना जमा है। दो देशों का पता चला 110 लाख कोटी है, बाकी अभी 68 देश हैं उनका पता चलना बाकी है, थोड़े दिन में पता चलेगा वो भी कितना है। तो ये धन पता चल गया एक बात, अब इसको वापस लाने का रास्ता क्या है। भारत की सुप्रीम कोर्ट एक लाइन का जजमेंट पास करे और वो जजमेंट इतना ही हो कि जितना धन भारत से लूटकर विदेशी बैंकों में जमा हुआ है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, बस। नेताओं ने ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा कर रखा है, हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इतना सा फैसला दे दे काम खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे तो किसी भी बैंक को वो पैसा रखने का अधिकार खत्म हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय कानून ये है कि राष्ट्रीय संपत्ति जिस देश की होती है उसी देश में जमा होती है, वो दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती। भारत की राष्ट्रीय संपत्ति भारत की बैंकों में जमा हो सकती है, स्विट्जरलैंड की बैंकों में नहीं हो सकती। स्विट्जरलैंड की बैंकों में निजी संपत्ति किसी की जमा हो सकती है, राष्ट्रीय नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश लेना है कि ये सारा धन राष्ट्रीय संपत्ति है। आप बोलेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है? हाँ कर सकता है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जब हमारे देश में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो एक यूरिया घोटाला हुआ था, 133 कोटी रुपए देश के बाहर गया था, यूरिया नहीं आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 133 कोटी रुपए जो देश के बाहर गया वो देश की संपत्ति है। इस फैसले के आधार पर सीबीआई स्विट्जरलैंड गई थी, खाते खोल कर देखा गया तो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में वो पैसा जमा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नरसिम्हा राव के बेटे को गिरफ्तार किया गया, भारत की जेल में लाके उसको बंद किया गया, अभी भी वो जेल में है। और जो अकाउंट था नरसिम्हा राव के बेटे का 133 कोटी का, उसको फ्रीज किया सुप्रीम कोर्ट ने और वो 133 कोटी रुपए स्विट्जरलैंड से निकल के सुप्रीम कोर्ट के पास आके जमा हो गया। तो हमने सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही बात कही है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है तो चारा घोटाले का भी राष्ट्रीय संपत्ति है, बोफोर्स घोटाले का भी राष्ट्रीय संपत्ति है, सभी घोटालों का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है। घोटाला घोटाला सब एक, उसमें भेदभाव क्या? और ये मधु कोड़ा वाला प्रकरण हमारे लिए बड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट तैयारी कर रहा है, चार्जशीट बनने जा रही है। और जैसे ये मधु कोड़ा का प्रकरण समाप्त हुआ
हम तुरंत उसको अदालत के सामने ले जाएंगे कि अगर 5600 कोटी रुपए मधु कोड़ा का राष्ट्रीय संपत्ति है तो फिर सबका ही पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है, क्योंकि सब मधु कोड़ा ही जैसे हैं, क्या फर्क है उसमें। तो ये एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काम करने का। दूसरा एक रास्ता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना करे तो कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है इस काम को। संसद में एक वाक्य का एक प्रस्ताव पारित किया जाए और वो वाक्य इतना ही है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जितने भ्रष्टाचार के माध्यम से धन लूटा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद ये प्रस्ताव पारित करे, कोई खासदार इस प्रस्ताव को पेश करे और संसद इस पर बहस करे। जब बहस हो तो आप टीवी खोल के देखना कौन कौन खासदार विरोध कर रहा है इसका, पता चल जाएगा हरामी कौन है इस देश में। और मुझे कई बार ऐसा लगता है, मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि बहुत सारे खासदार डर के मारे विरोध नहीं करेंगे क्योंकि नाम खुलेगा उनका, इसलिए वो पास हो सकता है प्रस्ताव। और प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बन सकता है, और संसद से पास प्रस्ताव को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता, उसको सही करनी ही पड़ेगी, या तो राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा नहीं तो उस पर स्वाक्षरी देनी पड़ेगी। और स्वाक्षरी होते ही वो कानून बनेगा, कानून बनते ही 110 लाख कोटी रुपए जो बाहर पड़ा है ये तो तुरंत वापस आ जाए। उसके बाद देश के अंदर जो काला धन जमा है 50 लाख कोटी का, उसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए एक ही मामला है, वो ये कि सभी नेताओं को नार्को टेस्ट करवा लो। हाँ, क्या मुश्किल है, ईमानदार है तो, बेईमान है तो नार्को टेस्ट करा लो, उसमें पता चल जाएगा किसने कहां कितना रखा हुआ है। यहां पुणे में एक व्यक्ति है, उसका नाम है हसन अली, सीबीआई उसके पीछे पड़ी हुई है इस समय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दे रखा है कि मामले की जांच करो। तो हसन अली के अकाउंट में 72,000 कोटी रुपए मिला है और हसन अली ने उसको स्वीकार किया। हसन अली पुढ़ारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पुढ़ारी नहीं है और व्यापारी भी नहीं है, उद्योगपति भी नहीं है, कोई उसकी फैक्ट्री नहीं है, कोई हीरे जवाहरात का धंधा नहीं है उसका, वो सिर्फ राजनेताओं का पॉलिटिकल एजेंट है हसन अली। पॉलिटिकल एजेंट माने नेताओं के पैसे को इधर उधर लगाने वाला व्यक्ति है हसन अली। उसके पास 72,000 कोटी है तो उसके जो आका हैं, जो पैसे लगवाते हैं, उनका कितना होगा सोच लो, एक आदमी का 72,000 कोटी, जिसका कोई बिजनेस नहीं, जिसका कोई धंधा नहीं, जिसका कोई व्यापार नहीं, जिसके आई बाबा ने कभी इतनी संपत्ति छोड़ी नहीं, जिसके अज्जी अज्जोबा ने कभी इतनी संपत्ति छोड़ी नहीं, उसके पास 72,000 कोटी अगर है और वो कहता है कि मैं तो राजनेताओं का एजेंट हूं, उनके पैसे कहाँ कहाँ रखने हैं, कहाँ कहाँ जमा करने हैं, वो ही करता रहता हूँ, उसमें कमीशन मिलता है, वो कमीशन इतना हो गया 72,000 कोटी, तो मूलधन कितना होगा जो उसने जमा करवाया होगा। तो मामला तो अभी खुल गया है, अब ये बंद नहीं हो सकता, जिन बोतल के बाहर आ गया है, अब किसी सरकार में दम नहीं है इसको वापस बोतल में बंद करने की। अब तो ये अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है अगले 3-4 वर्षों में, हमारी यही प्रतीक्षा है और यही काम है। तो संसद के माध्यम से ये हम करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप कभी कभी उल्टा प्रश्न मुझे पूछो कि संसद ना करे तो, मान लो ये संसद ना करे इस प्रस्ताव को पास, तो हमारी तैयारी ये है कि हम नई संसद बनाएंगे जो ये प्रस्ताव पारित करे। नई संसद बनाने का सीधा सा मतलब है 543 नए खासदारों को चुनाव में जिताकर संसद में पहुंचाएंगे, वो ये प्रस्ताव पास करेंगे। मुश्किल क्या है इसमें, सारे देश के लोगों के सामने अगर कोई सन्यासी खड़ा होकर ये कहे कि भारत का लूटा हुआ धन विदेशों से वापस लाना है, इसके लिए नई संसद बनानी है, कौन भारतवासी मना करे। हमने एक हिसाब निकाला, वो ये
कि जितने राजनीतिक दलों के नेताओं का ये पैसा है 80,000 पुढ़ारियों का, ये 48 राजनीतिक दल हैं जिनके नेताओं का ये पैसा है, 48 राजकीय पक्ष जिनके नेताओं का ये पैसा, जिनके पुढ़ारियों का ये पैसा, इन पक्षों की कुल ताकत कितनी है वो पता लगाया तो मालूम हुआ कि इन सभी 48 राजकीय पक्षों की पूरी ताकत 4 कोटी है। 4 कोटी लोगों की ताकत पर 48 राजकीय पक्ष देश को लूट